Alright guys, this is the 7K Master here to recap or summarize RDR 2 story for ya. So as you know, RDR 2 have different story paces. First few chapters are slow, then in mid, it picks up the pace. So with this video, I just wanna fill your story gaps if you have some. And before I start this video, I want to tell you that I have an Epic creator code. So use this code if you are purchasing anything from Epic store. This will help my channel. And as usual, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू क्लिक द लाइक बटन. एंड इसी के साथ नाउ लेट्स बिगिन. How's that score you stole off us? Which one? Okay, तो गेम स्टार्ट होती है 1899 में, RDR 1 के इवेंट्स के 12 इयर्स पहले. अमेरिका यहाँ न्यू एज में इवॉल्व हो रहा है, जहाँ अब आउटलास को सीरियस इशू मानते, लॉ एजेंसीज वन बाय वन बड़ी आउटला गैंग्स को हंट करती हैं, और अब वाइल्ड वेस्ट में सिर्फ गिनी चुनी गैंग्स ही बाकी हैं. यहीं 1850s में फाउंडेड पिंकरटन डिटेक्टिव एजेंसी ब्लैक वाटर्स में डच वेंडरलैंड की गैंग के पीछे लगते हैं. एंड डच की लास्ट हाइस्ट इन ब्लैक वाटर के फेल होते, डच एंड द गैंग ब्लैक वाटर से ईस्ट की ओर भागते हैं. यहीं डच के आर्च राइवल कोम और ड्रिस्कल की गैंग से लड़ते, डच इस हाउस की ओनर सेडी एडलर को अपनी गैंग में सेफ रखता है. यहां अब डच को पता है कि उनके आउटलास के दिन खत्म होने वाले हैं, इसीलिए डच का प्लान है एक बड़ी हाइस्ट कर इतना पैसा बनाए कि सब इस कंट्री से भाग किसी पैराडाइज आइलैंड जैसे तहीती आइलैंड इन पैसिफिक, उसमें आराम से मैंगो की खेती कर सकें. यहीं डच ओड्रिस्कल्स का प्लान इंटरसेप्ट करता है कि एक बड़े यूएस ऑयल डीलर लेविटिकस कॉनवेल की ट्रेन को लूटना. डच ये ओड्रिस्कल्स का प्लान खुद एग्जीक्यूट करता है. एंड यहीं ईस्ट के एक टाउन वैलेंटाइन में पहुंच डच के रिमेनिंग गैंग मेंबर्स हैं आर्थर मॉर्गन, जॉन मार्स्टन, चार्ल्स स्मिथ, लेनी, माइका बेल, बिल विलियमसन, हावियर स्क्वेला. थिंकिंग साइड पे हैं होजेया मैथ्यूज, हर्स्ट्राउस, और जॉब्स के लिए अंकल एंड रेवरेंड. नॉर्मल थीव्स हैं कैरन, मैरी बेथ, टिली जैक्सन, जॉन की पार्टनर एबिगेल एंड डच की गर्लफ्रेंड मॉली ओशे. एंड इन सब वुमेंस की टास्कर है मिसिस ग्रिमशॉ. इन एंड आउट इन्फो एलाय है ट्रेलोनी जोजेया एंड जॉन मार्स्टन एंड एबिगेल का सन जैक मार्स्टन. एंड आगे और ड्रिस्कल्स के कैंप से किडनैप किया किरण डूफी. एंड बाद में सेडी एडलर भी एक आउटला मसल बनती है. सो यहीं अपना न्यू कैंप सेटअप करते, आर्थर गैंग के लोन शार्क हर्स्ट्राउस का पैसा वापस लाते, थॉमस डाउन से मिलता है जो कि अपने आप को बहुत बीमार बताता है. You borrowed money from my business partner, Hairstrauss. You owe him. You took the money. He wants it back. What's not to understand? Where's our money? I don't have it. एंड यहीं आर्थर के जाते गैंग एक और कॉर्नवॉल की ट्रेन को रोप करती है, जिससे कॉर्नवॉल के डच एंड आर्थर को वैलेंटाइन में ट्रैक करते. एक मैसिव शूटआउट से डच एंड गैंग यहां से भी भागते रोड्स पहुंचती है, जहां उन्हें दो बड़ी फैमिलीज ग्रेस एंड द ब्रेथवेट्स आपस में लड़ते मिलते हैं. डच दोनों रिच फैमिलीज को रोप करने का प्लान बनाता है, लेकिन दोनों फैमिलीज को डच के प्लान का पता लग जाता है. एंड ब्लैक वाटर में बोट हाइस्ट में पकड़ा गया शॉन, जिसे आर्थर एंड चार्ल्स बचाते हैं, वो ग्रेस के हाथों मारा जाता है.
एंड यहीं ग्रेस से निपटते ब्रैथवेट्स जैक मार्सन को किडनैप कर लेते हैं एंड डच अपनी गैंग की फुल पावर से ब्रैथवेट्स का घर जला देता है, जिससे ब्रैथवेट्स की लीडर जैक को उन्होंने एक इटालियन क्राइम लीडर एंजेलो ब्रोंटे को दे दिया, ये बताती है, जिससे गैंग अब सेंट डेनी पहुंचती है। यहाँ एंजेलो ब्रोंटे पहले डच से फेवर्स मांगता है और जैक को वापस दे देता है, लेकिन एंजेलो द्वारा बताई गलत इन्फो से एंड कॉन्स्टेंटली डच के प्लान फेल होते, डच अब चेंज हो चुका है एंड यहीं वो एंजेलो ब्रोंटे को किडनैप कर उनकी फैमिली से रैंसम मांगने का प्लान वेस्ट करते एंजेलो को उसकी इंसल्ट करने के लिए एलिगेटर्स को खिला देता है एंड डच यहां फिर से एक और बैंक हाइस्ट का प्लान बनाता है, जहां पिंकरटन्स के पहुंचने से पिंकरटन लीडर एजेंट एंड्रयू मिल्टन एंड एडगर रॉस होजेया को मार देते हैं। एंड डच द्वारा जॉन मास्टर को ना बचाने पे लॉ जॉन को अरेस्ट कर लेती है एंड क्रॉस फायरिंग में लेनी भी मर जाता है। बिल माइका हावियर डच एंड आर्थर एक शिप से इस बैंक से चुराया कैश एंड गोल्ड के साथ यहां से भागते हैं कि एक तूफान के आने से ये शिप भी सिंक हो जाती है एंड सभी क्यूबा के गुअरमा आइलैंड पे कुछ दिन सर्वाइव करते हैं अंटिल कि यहां का लॉ सबको अरेस्ट कर लेता है। लेकिन इस आइलैंड के लोकल्स यूएस के अल्बर्टो फुजार से लड़ते डच की हेल्प मांगते हैं एंड फुजार को मारते ये लोग गैंग को यूएस पहुंचाने के लिए एक शिप दे देते हैं। यूएस पहुंच आर्थर को वो फार्मर डाउन्स की वजह से ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, जिसका उस समय कोई इलाज नहीं था एंड आर्थर अब स्लोली मर रहा है। यहीं होजेया के जाने के बाद डच अब पूरी तरह से चेंज हो चुका है और जॉन को जेल से छुड़ाने के बजाय अभी भी वन लास्ट हाइस्ट पे अटका है एंड ही स्टिल थिंक्स ही हैज अ प्लान। यहीं मॉली और शे सिर्फ डच की अटेंशन के लिए उसने ही एजेंट मिल्टन एंड एडगर रॉस को बैंक हाइस्ट के बारे में बताया, ये कहती है, जिसे मिसिस ग्रिमशॉ उसे मार देती है। सेडी एंड आर्थर जॉन को डच की मर्जी के बगैर जेल से छुड़ा लेते हैं। आर्थर तब के आदिवासी अमेरिकन की हेल्प करता है उनकी लैंड यूएस गवर्नमेंट से नेगोशिएट करने में एंड अब सेंट डेनी बैंक हाइस्ट के बाद ये गैंग पूरी तरह से बिखर रही है एंड आर्थर जॉन एंड एबिगेल को भी यहां से भागने को कहता है ताकि वो लोग अच्छे से जी सके, क्योंकि इस गैंग में सिर्फ जॉन की ही एक फैमिली है। डच लेविटिकस कॉर्नवेल को पिंकरटन्स को फंड करते देख लेविटिकस से नेगोशिएट करने पहुंचता है, लेकिन डच अपने ही प्लान को डिच करते कॉर्नवेल को उड़ा देता है, जिससे पिंकरटन्स एंड लॉ और ज्यादा एक्टिव हो जाता है एंड आर्थर का ट्रस्ट ऑन डच और ज्यादा गिर जाता है। माइका को मिले कॉर्नवेल के पेपर से डच नेटिव अमेरिकन्स को यूज करते उनके एंड यूएस आर्मी के बीच एक वॉर स्टार्ट करवाना चाहता है, जिससे लॉ डच पे ज्यादा ध्यान ना दे एंड वो लोग अपनी लास्ट हाइस्ट कर यहां से निकल पाए। दूसरी तरफ लॉ डच के आर्च नेमेसिस कोमोड रिस्कल्स को फांसी पे लटका रहे हैं एंड डच आर्थर एंड सेडी ये इंश्योर करते हैं कि कॉम इस बार ना बच पाए। डच अपने लास्ट प्लान को एग्जीक्यूट करते जॉन एंड आर्थर से आर्मी ट्रेन पाथ का ब्रिज उड़वा देता है एंड नेटिव अमेरिकन चीफ रेनफॉल्स के बेटे ईगल फ्लाइज को भड़का ऑयल लैंड्स पर अटैक करवाता है और यहीं आर्मी के आर्थर को पकड़ते डच आर्थर को बिट्रे कर देता है। लेकिन ईगल फ्लाइज अपने आप को कुर्बान करते आर्थर आर्मी चीफ को मार डच से सुपर पैरानॉइड हो जाता है और अब काफी गैंग मेंबर्स इस गैंग को छोड़ चुके हैं और बची गैंग के साथ डच अपनी लास्ट हाइस्ट आर्मी पेरोल की ट्रेन को रोप करना इस प्लान को एग्जीक्यूट करता है, जहां डच एक बार फिर जॉन मार्शन को नहीं बचाता क्योंकि जॉन आर्थर की तरह डच से इतना लॉयल नहीं रहा। यहीं ये हाइस्ट के सक्सेसफुल होते मिस टिली पिंकरटन्स ने एबिगेल को हिरासत में लिया है ये बताती है एंड डच के माइका के इन्फ्लुएंस में आते वो एबिगेल की हेल्प करने के लिए मना करता है। आर्थर एंड सेडी एबिगेल को बचाते हैं कि एजेंट मिल्टन बताता है कि मोली और शे ने उन्हें कभी कुछ नहीं बताया और माइका ही एक रैट है, यानी सब हाइस्ट के बारे में बताने वाला माइका ही था।
और एजेंट मिल्टन डाइंग आर्थर पे भारी पड़ जाता है कि एबिगेल मिल्टन को उड़ा देती है, लीविंग एडगर रॉस इन चार्ज। आर्थर एबिगेल को जैक मास्टर की लोकेशन दे, सेडी को उसे वहाँ छोड़ने के लिए कहता है एंड माइका के बारे में बताने डच के पास पहुँचता है, जहाँ माइका डच का फेवरेट बनते आर्थर को ही रैट बताता है। यहीं जॉन के ट्रेन से गिरने के बाद यहाँ वापस पहुँचते पिंकरटन्स एंड लॉ इस हाइड आउट पर अटैक कर देते हैं और लॉ से बचते पूरी गैंग स्कैटर हो जाती है। आर्थर जॉन को यहाँ से बचाता है कि आर्थर का हॉर्स क्रॉस फायर में मर जाता है। Come on, brother. Let's go. Give me a second. Come on. Push, Arthur. Thank you. Arthur. और एक पहाड़ी पर चढ़ते आर्थर अपना सैचल बैग जॉन को दे एबिगेल एंड जैक की लोकेशन बताता है एंड अब उसे आउटला की लाइफ छोड़ने एंड किसी से भी रिवेंज ना लेने के लिए कहता है। We ain't both gonna make it. Go. Now. I'll hold them off. It would mean a lot to me. Please. There ain't no more time for talk. Go. Arthur. Go to your family. Arthur! Get the hell out of here and be a goddamn man. You're my brother. I know. I know. एंड जॉन को सेव करने के बाद आर्थर अकेले ही सबसे फाइट करता है अंटिल कि माइका आर्थर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन डाइंग आर्थर माइका को रिवर्सल देने में कामयाब रहता है एंड डच के वहां आने से आर्थर डच को माइका रैट है ये फिर समझाता है। डच, he's a rat. Let's go. We can make it. Come on, Dutch. Come on. And यही आर्थर मॉर्गन who gave Dutch everything, who was loyal until he saw Dutch's real face, sunrise को देखते अपनी injuries and disease से मर जाता है। I'm dying, sister. Okay. Yeah, I got TB. I got it. Beating a man to death for a few bucks. I've lived a bad life, sister. You don't know you. What do you mean? I don't know, but whenever we happen to meet, you're always helping people and smiling. Take this. I don't need it no more. I don't want your money. Yeah, I know you don't want it. I don't. You sure as shit need it. Don't say anything. Don't thank me. Just take the money and pack your bags. That's all I gotta say. Thank you, Mr. Morgan. I said don't thank me. Get out of here. Please. How did you manage to? I just ran into them and found her. Oh, thank you. Here, let me give you this. Oh, that's okay, ma'am. You just keep her warm and keep her safe. Take this. You take this money, too. Take Jack, and you wait at Copperhead Landing for Abigail and Mrs. Adler. Thank you, Arthur. You're a good girl. You live a good life now, you hear? All right, Arthur. I'll miss... Me too, sweetheart. I had a son. He passed away. I had a girl who loved me. I threw that away. Oh. Is it too late for us, Arthur? I can't lie to you. I'm a wanted man, Mary. If anyone close to me, well, they're wanted too. And I can't have you wrapped up in there. But it's coming to an end.
This time it really is. Run away with me, Arthur. Run away right now and don't look back. I want to. More than anything, I want to. But I've got some people I need to take care of. Once they're free, then I'm free. Then I can disappear. But Arthur... If we're gonna run away anywhere, we'd need money. Soon, I'll have some. I know you won't run away. Yeah. My mama died when I was a kid. And my daddy... Well, I watched him die. That weren't soon enough. You're too smart for me, sister. I guess I'm afraid. There is nothing to be afraid of, Mr. Morgan. Take a gamble that love exists and do a loving act. अगर आपने गेम में ज़्यादा लोगों की मदद ना की या आपका ओनर बहुत कम है तो पीसफुली मरने की जगह माइका आर्थर को एग्जीक्यूट कर देगा एंड डियर की ड्रीम की जगह आपको वुल्फ स्क्रीन दिखाई देगी जो कि आर्थर के कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करती है जैसे डियर अपने आप को सेक्रीफाइस कर अपने आप को रिडीम करता है वैसे ही डाइंग आर्थर ने जॉन को बचाकर एंड जिससे आर्थर को ये टीबी की बीमारी हुई उस फैमिली को अपने पैसे देकर अपने आप को एंड तक रिडीम कर लिया एंड अगर आपका गेम में ओवरऑल ऑनर लो है तो वो वुल्फ का मतलब है कि आर्थर ने अपनी पूरी जिंदगी किसी की नहीं सिर्फ अपने बारे में सोचा एंड नाउ ही डाइस अलोन और डाइस इविल अब काफी साल बाद 1907 में जॉन मार्स्टन एबिगेल की बात सुनते एंड हॉनेस्ट वर्क ढूंढते किसी के यहाँ फार्मर बनता है अंटिल की उस ऑनर को एक गैंग तंग करती है एंड जॉन को फिर से गनस्लिंगर की तरह उन गैंग मेंबर्स को मारना पड़ता है इससे ये फार्मर ओनर जॉन को बैंक से लोन दिलाने में मदद करता है एंड जॉन ब्लैक वाटर्स में अपना हाउस एंड बार्न बिल्ड करता है यहीं गैंग के स्कैटर होने के बाद जॉन को गैंग के अंकल एंड चार्ल्स दोबारा मिलते हैं जो कि जॉन की ये हाउस बनाने में मदद करते हैं सैडी एडलर जॉन को माइका की लोकेशन के साथ उससे रिवेंज लेने को कहती है यहीं जॉन सैडी एंड चार्ल्स आर्थर की डेथ का बदला लेने पहुंचते हैं चार्ल्स एंड सैडी इंजर्ड हो जाते हैं लेकिन सैडी फिर भी माइका को कॉर्नर करने में जॉन की मदद करती है एंड जॉन एंड माइका के बीच डच जो कि कुछ ही दिन पहले माइका की गैंग ज्वाइन किया था जॉन के डच को एक बार फिर रिमाइंड कराने पे डच माइका को इंजर कर देता है एंड जॉन मार्स्टन आर्थर का रिवेंज लेते माइका को मार देता है डच यहाँ उनकी गैंग का पैसा जो ब्लैक वाटर्स में पीछे छूट गया था एंड माइका ने वो कलेक्ट कर लिया था ये स्टैश वो जॉन एंड सैडी के लिए पीछे छोड़ देता है एंड इन्हीं पैसों से जॉन अपने घर का लोन चुका अंकल के साथ एक फार्मर बनता है अब एंडिंग क्रेडिट्स में जॉन यहाँ एबिगेल से शादी कर लेता है बचे गैंग मेंबर्स लाइक मिस्टर पियर्सन अपनी शॉप चलाता है एंड ही स्टिल रिमेंबर्स द गैंग मैरी बेथ पोइट्री लिखती है टिली जैक्सन एक लॉयर से शादी कर लेती है हर स्ट्राउस को लॉ पकड़ लेती है लेकिन वो गैंग के बारे में कुछ ना बोल जेल में ही मर जाता है रेवरेंट न्यूयॉर्क में एक चर्च का मिनिस्टर बन जाता है बिल विलियमसन फोर्ट मर्सर को कैप्चर कर अपनी न्यू गैंग बनाता है एंड हावियर एस्क्वेला मैक्सिको भाग जाता है सैडी एडलर के रिकवर होते अब वो साउथ अमेरिका में एक न्यू लाइफ स्टार्ट करती है एंड चार्ल्स स्मिथ के भी ठीक होते अब वो कैनेडा चला जाता है नेटिव अमेरिकन चीफ रेनफॉल्स अपने बेटे की डेथ के बाद एक ईगल को उड़ते देख अब वो अपने बचे लोगों के साथ वो भी कनाडा शिफ्ट हो जाता है आर्थर की लवर मैरी लिंटन आर्थर की ग्रेव पे रोती है
जिससे पता लगता है कि वो एंड तक आर्थर को प्यार करती थी। एंड यूएस अब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी शुरू करती है एंड इसका इंचार्ज है एडगर रॉस। एंड ये लोग माइका की डेथ से जॉन मार्स्टन को ट्रैक करते हैं एंड आरडीआर 1 के इवेंट्स शुरू होते हैं। सो गाइस, यही थी पूरी स्टोरी आरडीआर 2 की। एंड यस, मैंने बहुत कुछ इस वीडियो में छोड़ दिया, लेकिन आरडीआर 2 पे अभी मैं और वीडियोस बनाऊंगा एंड अपने सेकंड प्ले थ्रू के बाद होपफुली एक एक्सप्लेन वीडियो भी बना पाऊँ। सो या, दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब थिंग एंड माई एपिक क्रिएटर कोड इज द 7K मास्टर, यूज इट। सो या, दैट्स इट, मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, सी अप।